वो डिस्कवरी पे आ रहे हैं। ग्रिल बोला भाला आप अपने पास रखो, आप लम्बा फेंकते ही हमको बताया है। मोदी जी बोले ग्रिल फेंक तो मैं दूंगा किंतु मैंने जो फेंका है वो लौट के ना आए। तो मोदी जी ने आप बता रहे थे कि क्या मनाया है, क्या क्या बता रहे थे आप? मोदी जी ने कहा मैंने जो जो फेंका है आज तक लौट के नहीं आया। नहीं, लौट नहीं, नहीं नहीं, वो जिसको फेंकते वो लौट में आ ही नहीं सकता है। सही कह रहे हो। चैनल की बात अभी हो रही थी, मोदी जी वहां चले गए हैं, विपक्ष को करके वो ढेर गया है, आंखें भी सबसे वो फेर गया है। मोदी जी जंगल गए इसलिए क्योंकि शेर से मिलने बब्बर शेर गया है। शेर से मिलने मोदी जी कभी हंसते नहीं, लेकिन मैंने मोदी जी को हंसाया है और राहुल गांधी की तरफ देखते देखते मैंने उनको हंसाया है। ये आसमान है, ये धरा है, आपका पाजामा सफेद और कुर्ता हरा है। आप चारों कवि मिलकर मुझे लपेटे में लेने वाले हैं, लेकिन हम तुमको लपेटे में लेने के बगैर यहाँ से जाने वाले नहीं। अच्छा। स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी में। आज हमारे साथ मंच पर मौजूद हेमंत पांडे जी, सुदीप भोला, सरदार प्रताप फौजदार और कवि गौरव चौहान। और आज हमारे साथ जो नेताजी हैं, वो खुद बाकी नेताजी को लपेटे में लेते रहते हैं। स्वागत कीजिए रामदास आठवले जी का। जी, कविताओं का शो है और कविताएं तो आपको ही पढ़ते सुना हमने संसद में। पहले सरदार जी से शुरू करते हैं, फिर आपके पास आएंगे। आठवले जी राम राम, राम राम तो ले लियो। राम राम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय हिंद। जब बच्चों ने खबर सुनी ना कि आठवले जी आ रहे हैं तो बड़े उत्साहित थे। मैंने भी सोचा कि मैं अपनी स्टाइल से थोड़ा सा वो हो गया था, तो मैंने आज आपकी स्टाइल में लिखा। आप आ रहे तो आपके वेलकम में। मेरी स्टाइल आपको करनी है तो आपको संसद में आना पड़ेगा। क्या बात है, ले चलो वो बैग, मैं उठा लूंगा। ये बच्चा लोग इतने उतावले, ये बच्चा लोग इतने उतावले, इतने उतावले के लगता था हो जाएंगे बावले। ये बच्चा लोग इतने उतावले, लगता था हो जाएंगे बावले। मैं पूछा ऐसा क्यों, मैं पूछा ऐसा क्यों, बोले वो आ रहे हैं ना ठावले। और मुझको तो अब पता चला कि ये अठावले के लिए बावले। जब आप आए तो ये बच्चा लोग बोला, जब आप आए कि ये बच्चा लोग बोला, ये तो है हमारे साथ चीटिंग जैसे, ये तो है हमारे साथ चीटिंग जैसे। मैं बोला कैसे, बोले हमको बोला के आएंगे अठावले, लेकिन इधर को तो आए ये एक बले, एक बले, एक बले, तो बाकी किधर को गए सात बले। बाकी किधर को कहे साथ बोले। मैं बोला बच्चों मैं जानता हूं ये दिल का साफ है और इंसान भला है, ये आदमी रामदास एक ही है, बाकी आठ तो इसकी कला है। बाकी आठ तो इसकी कला है। ये आदमी बच्चा बोले इसका कारण दो, कला का कोई उदाहरण दो। मैंने उदाहरण दिया,
मैं बोला अमित शाह जी ने, अब ध्यान रखना, बोला अमित शाह जी ने कहा था भाजपा 50 साल शासन करेगी। अमित शाह जी ने कहा था भाजपा 50 साल शासन करेगी, लेकिन अठावले जी ने संसद में बोला भाजपा 20 साल शासन करेगी। 20 साल शासन करेगी, पन्ना पलट रहा हूं। हालांकि दोनों ही महनीय हैं, आप और शाह जी, हालांकि दोनों ही महनीय हैं, लेकिन शाह जी से अठावले जी ज्यादा विश्वसनीय है। वो बताता हूं कैसे, अठावले जी ज्यादा विश्वसनीय है क्योंकि ये जानते हैं कौन सी पार्टी हारेगी और कितनी बार हारेगी। क्योंकि ये जानते हैं कौन सी, अब समर्थन करना बच्चों हो ताड़ियों से, कौन सी पार्टी हारेगी और कितनी बार हारेगी, इनका अनुमान सयाना है। और इनकी सबसे बड़ी कला यही है कि जानते हैं कौन सी पार्टी जीतेगी, बस उसी के संग जाना है। सर मैं आपकी स्टाइल में दो पंक्ति कविता की बोलता हूं। आज शो में रौनक है, आज शो में रौनक है, हाँ आज शो में रौनक है, झावले झावले झावले, आज शो में रौनक है, झावले झावले झावले, क्योंकि एक उधर अठावले और एक इधर अठावले। संसद में जब आप कविता सुनाते हैं तो बाहर आके फिर बाकी नेता आपको क्या कहते हैं? वो तो मुझे कहते हैं कि भाई आपकी कविता बहुत अच्छी थी और आपने बहुत ही हमको हंसाया। मैंने बोला कि हमने खाली आपको नहीं हंसाया, मैं उनको बोलता हूँ कि मैंने खाली आपको नहीं हंसाया, मैंने तो राहुल गांधी को फंसाया। बहुत इस समय वायरल हुआ जब आपने अभी संसद के नए सत्र में भाषण दिया था, तो उस भाषण को मैंने कविताबद्ध किया है, पैरोडी लिखी है उस पर, और उसको समझ लीजिए कि आपके शब्द हैं, गा मैं रहा हूं, आपकी तरफ से गा रहा हूं, आप गा रहे हैं राहुल जी को देखकर, उनके प्रस्ताव पर गीत आप गा रहे हैं। कि खोला सपनों का दरवाजा, खोला इतने धीरे धीरे मत सुनो, जरा हल्ले के साथ सुनना। कि खोला सपनों का दरवाजा, मुझसे बोला वो राजकुमार, तो मैं मंत्री बना देंगे अंकल, मेरा ऑफर करो स्वीकार। तो आप बोले, मैं भी उससे बोला मैं आऊंगा नहीं, मैं भी उससे बोला मैं आऊंगा नहीं, मुझे पाएगा ना तू पटा। हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा, डिंग 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 डिंग, खोला सपनों का दरवाजा, मुझसे बोला वो राजकुमार, तुझे मंत्री बना देंगे अंकल, मेरा ऑफर करो स्वीकार। मैं भी उससे बोला मैं आऊंगा नहीं, मैं भी उससे बोला मैं आऊंगा नहीं, मुझे पाएगा ना तू पटा। हटा सावन की घटा, सुनना, के रुख सबकी हवाओं का रहता है पहले से पता मुझको, रुख सबकी हवाओं का रहता है पहले से पता मुझको, वैसे वेदर डिटेक्टर कहते हैं मेरे साथी पता तुझको, अपनी किवड़िया भी बंद कर ले। सर कह रहे हैं राहुल जी से कि अपनी किवड़िया भी बंद कर ले, अपनी किवड़िया भी बंद कर ले, मेरी खिड़की भी मत खटखटा। हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा, के जुमला का तुक मैं कमला से क्या खूब मिलाता हूँ। अच्छा। आपने मिलाया था एक भाषण और सुना था आपका, कि जुमला का जुमला का तुक मैं कमला से क्या खूब मिलाता हूँ,
माहौल बना कर फिर उसमें चाहौल फसाता। अब सर चाहौल का मतलब मुझे तो नहीं पता, आपने कहा था। लोग सामने बैठे पूछ ले। किसी के लपेटे में आऊंगा नहीं, किसी के लपेटे में आऊंगा नहीं, फिर ना कहना कि बाजा फटा। हटा सावन की घटा, हटा सा। हार क्यों होती है कांग्रेस की? इस बार आपकी नजर में क्यों हार हुई? नहीं, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत साल सत्ता में रही और मैं भी कांग्रेस पार्टी के अलायंस में मैं 3 बार लोकसभा में चुनकर आया था, लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दे दिया था, मुझे उन्होंने तो धोखा दे दिया था। तो मैंने सोचा था कि अगर कांग्रेस ने मुझे दे दिया है तो धोखा, अगर कांग्रेस ने मुझे दे दिया है धोखा, तो आने वाले चुनाव में मैं कर दूं उनका उनका खोखा। आपका भाषण अभी सुना कि भारतीय जनता पार्टी कब तक सत्ता में रहेगी, काफी वो वायरल हुआ, और आप बता रहे थे 20 साल रहेगी, 30 साल रहेगी, हमें तो लग रहा है कि जीवन भर रहेगी। और यहाँ तो छोड़िए, विदेशों में भी हमें लग रहा है बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ये विदेशी नेता खामखा परेशान है हमारे, चाहे इमरान खान हो या ट्रंप हो। तो मैंने उनको जवाब देते हुए आपके समर्थन में 8 पंक्तियां लिखी हैं कि इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी, हमारे घर के मसले में तुम मम्मा ना बनो, अमित शाह को भेज देंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। अमित शाह को भेज देंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। और ये बात हम नहीं, किसी नामी से पूछ लो, बिल्ली से पूछ लो या टामी से पूछ लो, मोदी जी जहां चाहेंगे सरकार बना देंगे। भरोसा ना हो तो कुमार स्वामी से पूछ लो, भरोसा ना हो तो कुमार स्वामी से पूछ लो। और आप बता रहे थे कि बीजेपी की सरकार और मोदी जी हमेशा रहेंगे, इसके शिकार देश में जितनी पार्टियां हैं सारे नेता भी उसके हुए हैं। तो आपके ऊपर मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि अठावले जी ने एक बार फोन लगाया, उधर से गाना गाया, बाहों में चली आओ हमसे शर्म क्या पर्दा। तो उधर से आवाज आई, ना आऊंगी बाहों में, ना आऊंगी गोदी ही। अठावले जी ने पूछा कौन आएगा, वो बोली आएगा तो मोदी ही, बोला मोदी आएगा तो मोदी ही। और काफी करंट विषय चल रहा है इस समय, अभी आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक बिल संसद में पास हो गया है, उसके बाद क्या परिवर्तन होगा? मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, सुनिएगा। किसी मजलूम के मुंह में अब कभी ताला नहीं होगा बिल पास होने के बाद, किसी मजलूम के मुंह में अब ताला नहीं होगा, भेड़ियों के संग मुंह अब काला नहीं होगा, मौलाना दुखी नहीं कि नया कानून बनेगा, वो रो रहे इसलिए क्योंकि हलाला नहीं होगा, वो रो रहे इसलिए क्योंकि हलाला नहीं होगा, बेटियों को भी जीने का आस होगा, 3 तलाक बिल देखो पास हो गया। सहरों की किस्मत अब फूटेगी नहीं, सहर मतलब पति, सहरों की किस्मत अब फूटेगी नहीं, हड्डियां भी उनकी अब टूटेगी बहुत, जुबा पे धोखे से अगर तलाक आ गया, थाने में ले जाके पुलिस कूटेगी बहुत, थाने में ले जाके पुलिस कूटेगी बहुत। पहले बीबी थी दासी, अब सौहर दास हो गया, 3 तलाक बिल देखो पास हो गया। गुस्से में और क्या होगा, गुस्से में गाल उनके लाल हो गए, खबर जब सुनी तो खड़े बाल हो गए, हमने पूछा मियां कैसे हाल चाल हैं, बोला बकरीद के पहले हम हलाल हो गए, बोला बकरीद के पहले हम हलाल हो गए, ऐसे रोया जैसे जिंदा लाश हो गया, 3 तलाक बिल देखो पास हो गया। और अंतिम पंक्तियां क्या होगा कि उनसे बता के नहीं कोई वो बात गई है, पत्नी उनसे बता के नहीं कोई वो बात गई है, मार के फिर भी एक लात गई है, बेटे से पूछा उसने तेरी अम्मी कहाँ है, बोला राखी लेके अम्मी गुजरात गई है, बोला राखी लेके अम्मी गुजरात गई है, मोदी भाई जान कितना खास हो गया, 3 तलाक बिल देखो पास हो गया। तो जो अभी आपने बताया है तो मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चलाक। क्या बात, नरेंद्र मोदी जी बहुत ही है चलाक, इसलिए बिल आया है 3 तलाक। नरेंद्र मोदी जी की देख लो अच्छी झलक, नरेंद्र मोदी जी की देख लो अच्छी झलक, इसलिए लोगों ने लगाया है उनको प्रधानमंत्री पद का तिलक। तिलक, हाँ, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अठावले जी, और मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे मत सताओ,
मुझे मत सताओ मैं किसी को सताता नहीं। वाह। मुझे मत सताओ मैं किसी को सताता नहीं, मैं परेशान भी रहूंगा तो मैं किसी को बताता नहीं। हाय हाय हाय, वाह वाह। समता मूलक समाज ये है मेरी दिशा, समता मूलक समाज ये है मेरी दिशा, नरेंद्र मोदी जी को है गरीबी हटाने की नशा। नरेंद्र मोदी जी को है गरीबी हटाने की निशा नशा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ये है मोदी जी का अभियान। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ये है मोदी जी का अभियान, क्योंकि उनको बढ़ानी है भारत देश की शान। राहुल गांधी को कैसा हराना है ये है मोदी जी के पास ज्ञान। राहुल गांधी जी को कैसा हराना है ये है मोदी जी के पास ज्ञान, इसलिए मोदी जी की तरफ है सारे देश का ध्यान। वाह 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 वाह, मोदी जी की तरफ। आप अभी तक ये मानते हैं कि राहुल गांधी को हराने के लिए ज्ञान की जरूरत है? मतलब जो प्लानिंग होता है। मोदी जी की तरफ देश का है ध्यान। अब आपके सामने हाजिर हो रहा है गौरव चौहान, ठीक है। अब आपके सामने, आप संसद में थे लेकिन अब कहां पर है आप खुद देख लीजिए, और मैं कुछ पूछता हूं आपसे। कितना हसीन है मिजाज, क्या है राज बोलो आपका। कितना हसीन है मिजाज, क्या है राज बोलो। आज आप संसद सभा में ऐसे छा गए और मोदी जी के साथ तुकबंदियां मिलाई ऐसे, मोदी के विरोधियों पे कहर सा ढा गए, मोदी के विरोधियों पे कहर सा ढा गए। और कविता की चाशनी में भाषणों को डाल डाल, चाशनी समझते हैं आप, मतलब खाई आपने, ठीक। कविता की चाशनी में भाषणों को डाल डाल, जाने कितनों की आप वाट ही लगा गए, जाने कितनों की आप वाट ही लगा गए। और संसद को कविता में खूब था लपेटा, आज खुद ही लपेटे में अठावले जी आ गए, खुद ही लपेटे में। अब देखिए, अहमदाबाद, आप तो संसद में है तो हम तो लपेटेंगे ही। अच्छा, आजम खान ने एक बयान दिया संसद में, आप थे उस समय मौजूद, उस समय आपकी कविता सुनने को नहीं मिली, हमें इस बात का दुख है। आजम खान ने जब बोला, आश्चर्य तब हुआ जब अखिलेश यादव उनके बचाव में बोले, आने के वाह माशाल्लाह कमाल के लोग हैं। अब सुनिएगा पैरोडी, आनंद लेना मेरे सब नौजवान लोग बैठे हैं। आजम घाव करे बबुआ बचाओ करे, हाय हाय। बबुआ समझते हैं, बबुआ कौन? अखिलेश बबुआ, वो झबुआ। अब सुनिए, आजम घाव करे बबुआ बचाओ करे, देख के इनको तो कहते हैं लोग भला, बड़े मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कैसे हैं? जब जी चाह किसी मुद्दे को तान लिया, खुद को जिल्ले इलाही आपने मान लिया, देखा संसद को नहीं शायरी झाड़ गए, इतने रंगीन हुए हद के पार गए, और एक और अखिलेश इन्हें करने डिफेंड लगे, आजम चचा इन्हें बड़े ही डिसेंट लगे, आजम चचा इन्हें बड़े ही डिसेंट लगे। रामपुर वालों की जमीन खा गए साहिब, अब आपके हाथ उठे बच्चों, रामपुर वालों की जमीन खा गए साहिब, चोर पकड़ा गया तो चोर ने मचाया हल्ला, बड़े मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी से दोस्ती आपकी? अखिलेश जी से, मुलायम जी से? हाँ, अखिलेश जी के साथ तो दोस्ती थी, लेकिन अभी तो दोस्ती तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं उनके साथ दोस्ती करूंगा तो मोदी जी की दोस्ती टूट जाएगी। तो आज मेरी दोस्ती नरेंद्र मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ भी मेरी दोस्ती थी। कुछ दिन के लिए राहुल गांधी जी के साथ मेरी थी दोस्ती, लेकिन मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है हस्ती। और मैं मतलब राहुल गांधी जी को बोलने वाला था कि राहुल गांधी जी आप जीवो हजारों साल, राहुल गांधी जी आप जीवो हजारों साल,
लेकिन आपका ऐसा ही होगा हाल। नरेंद्र मोदी जी चलते हैं सीधी चाल, नरेंद्र मोदी जी चलते सीधी चाल, इसलिए तुमको खाने को नहीं मिलेगा माल। हाय हाय हाय। अच्छा मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करता हूँ। अभी पिछले दिनों कुछ चित्र आए थे तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी वो डिस्कवरी पे आ रहे हैं, हालांकि देर आए दुरुस्त, लेकिन दुरुस्त आए, उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन आप जैसा सलाहकार नहीं होगा पहले कोई उनके साथ। तो उसमें दो चित्र मैन आए हैं, बच्चों आपने सबने देखा होगा, मैंने उसमें से हाथ निकाला, सुनना। दो चित्र मैन आए हैं कि एक में तो जो बियर ग्रिल है उनको भाला पकड़ा रहा है, और एक चित्र में ऐसा है कि वो बियर ग्रिल के हाथ में गोबर है और मोदी जी हंस के देख रहे हैं। ये दो चित्र आए, पहला चित्र जो भाला पकड़ा रहा है सुने वो क्या कह रहे हैं। जानवरों के झुंड यहां होते हैं ठोर ठोर, जंगल है ना, डिस्कवरी तो जंगल का खेल है, कि जानवरों के झुंड यहां होते हैं ठोर ठोर, जंगल में चारों ओर खतरे का साया है, जंगल में चारों ओर खतरे का साया है। मोदी जी बोले छोड़ खतरे से क्या खतरा है, मोदी जी बोले छोड़ खतरे से क्या खतरा है, खतरे को खतरा तो हमने बनाया है। ग्रिल बोला भाला आप अपने पास रखो, ग्रिल बोला भाला आप अपने पास रखो, बात समझ में आ जाए तो देर तक ताली बजाना जोर से। ग्रिल बोला ये भाला आप अपने पास रखो, आप लम्मा फेंकते ही हमको बताया है। अठावले जी ताली बजाइए, सच बात है ये, नहीं बजाएंगे मुझे पता है। ग्रिल बोला ये भाला अपने पास रखो, आप लम्बा फेंकते हैं हमको बताया है, और अब ताड़ियां जोर से देना। मोदी जी बोले ग्रिल फेंक तो मैं दूंगा किंतु, किंतु मोदी जी बोले ग्रिल फेंक तो मैं दूंगा किंतु, मैंने जो फेंका है वो लौट के ना आए। आपका जंगल में सामना हुआ कभी? नहीं, जंगल में तो सामना मतलब मैंने बहुत बार किया है, जंगल में जानवरों का सामना मैंने बहुत बार किया है, जंगल में जानवरों का सामना, क्योंकि मैंने उनको बहुत बार दे दिए है शुभकामना। अगर जंगल को अपने को जंगल रखना है तो वहां जानवरों की आवश्यकता है। और मतलब मोदी जी ने आप बता रहे थे कि क्या मनाया है, क्या क्या बता रहे थे आप, भाला हाथ में लेकर, भाला हाथ में, हाँ हाँ, वो फेंक दिया तो मोदी जी ने कहा मैंने जो जो फेंका है आज तक लौट के नहीं आया। नहीं, वो लौट नहीं, नहीं नहीं, वो जिसको फेंकते वो लौट में आ ही नहीं सकता है। लेकिन सही कह रहे हो, सही कह रहे, कोई आया क्या इंग्लैंड से और वहां से वापस? नहीं नहीं, वापस मतलब अभी हमारे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा तो सुना होगा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बहुत सारे लोग अभी बीजेपी में आ रहे हैं। उनको मालूम हुआ है कि अभी 20-25 साल वहां सत्ता मिलने की संभावना नहीं है, और इसीलिए मतलब बहुत सारे लोग बीजेपी में, शिवसेना में, आरपीआई में आ रहे हैं। तो मतलब एक अच्छी बात हो और तो उन जिनको जिनको जनता फेंक रही है उनको क्यों वापस ले रहे? नहीं, जनता उनको फेंक रही है, नहीं नहीं, वो तो जो जनता के लोग उधर है वो वहां उनका जो लोग आए, एमएलए आए हैं, बहुत सारे नेता आए हैं, उनका ग्राउंड लेवल पर बहुत ही अच्छा का काम है, इसीलिए मतलब वो इधर आए हैं, उन्होंने जनता को ना नहीं फेंका है। अच्छा, दूसरा दृश्य रह गया था बीच में, आप आ गए, वैसे आप मोदी जी के वहाँ साथ होते तो ज़्यादा अच्छा होता, जहाँ थे तो आप बताते रहते कि किधर ये किधर है कौन चालू, किधर से आएगा भालू। तो दूसरा दृश्य देखे, उस दृश्य में गोबर हाथ में है ग्रिल के में और मोदी हंस रहे हैं। पहले एक मिस कॉल पार्टी को करवाई ग्रिल से,
मोदी जी ने कि मिस कॉल करके मेंबर बन पहले पार्टी मिस कॉल से मेंबर बन रहे पहले एक मिस कॉल पार्टी को करवाई, ग्रिल को भी भाजपा का मेंबर बना दिया, ग्रिल को भी भाजपा का मेंबर बना दिया। और ग्रिल जानवरों से कहता मिस कॉल मारो भाई वो खुद बनाने लग गया ग्रिल जानवरों से कहता मिस कॉल मारो, गधे घोड़े गेंडों को भी काम पे लगा दिया के जानवरों से कहा कि शौचालय मिलेंगे तुम्हें। अच्छा। स्कीम तो देनी है सर, बहुत अच्छे आपकी सरकार की स्कीम है ये के जानवरों से कहा कि शौचालय मिलेंगे तुम्हें, स्वच्छ अभियान वाला फंडा बतला दिया। स्वच्छ अभियान वालों भाई समझ में आया तो अब मुझे ताली घनघोर चाहिए। स्वच्छ अभियान वाला फंडा बतला दिया। और भक्त तो बेचारे बोलो किस खेत की मूली है, भक्त तो बेचारे बोलो किस खेत की मूली है, मोदी जी ने ग्रिल को भी गोबर सुहा दिया। अब खुद ग्रिल भक्त हो गया है जी। वो बीर ग्रिल जब से यहां से गया है अब वो कुछ और ही वहां पे हरकतें कर रहा है वो उनसे कह रहा है वहां जंगलों से चीते शेर बघेरे ले जाओ। वो भक्त हो गया सर आपका, चीते शेर भगेरे ले जाओ, यहाँ गोमाता पलवाएंगे। भक्त हो गया हो, चीते शेर भगेरे ले जाओ और समर्थन करना, चीते शेर भगेरे ले जाओ यहाँ गोमाता पलवाएंगे। और अमेजोन के जंगल में कह रहा है मंदिर यहीं बनाए। जानवरों को क्या क्या बोले थे शुरू में, क्या बोले थे शुरू में, वो मेंबर बना दिया, मिस कॉल मरवा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जानवरों को क्या किया था बोले अब, पहले एक मिस कॉल पार्टी को करवाई, ग्रिल को भी भाजपा का मेंबर बना दिया, और फिर ग्रिल ने जानवरों से कहता फिरा मिस कॉल मारो, जानवरों को गधे घोड़े गेंडों को भी काम पे लगा दिया। काम मतलब सभी जानवरों को काम को लगा दिया। मोदी जी ने सभी जानवरों को काम को लगा दिया और सारे देश को मोदी जी ने जगा दिया। अच्छा मिनिस्टरों को और उसके बाद उन्होंने और कांग्रेस वालों को 20-25 साल तक भगा दिया। मतलब ये काम मोदी जी ने किया है। हमारे एक मित्र हैं कलीम भाई, कलीम भाई का साउंड सिस्टम का काम है जबलपुर में। तो एक दिन मैं उनके घर के सामने से, हाँ कलीम भाई हैं, उनके घर के सामने से निकल रहा था, एक कानून पास हुआ उसके एक दिन बाद जा रहा था, तो उनके घर के सामने कितनी बड़ी मशीन रखी हुई थी सर, और उसके ऊपर बोर्ड लगा था कि जिस भाव चाहिए मशीन ले जाओ। तो मैंने कहा ये बहुत कंजूस है, हमारे बचपन के दोस्त तो जानते हैं बहुत कंजूस आदमी थे, तो मैंने कहा जी कलीम भाई किस भाव दे रहे हो, 200 रुपये में दे दोगे? कहने लगा भाई ले जाओ। मैंने कहा 20,000 की मशीन होगी, आप 200 में देने तैयार है? कहने लगे नहीं ले जाओ इस घर का, इस मशीन का, इस घर से निकल जाना ठीक है। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है, किस चीज़ की मशीन है? कहने लगे ईको करती है, ईको की मशीन है। तो मैंने कहा ईको का मतलब क्या होता है? कहने लगे इसमें आवाज़ गूंजती है। मैंने कहा करके बताओ, तो उन्होंने करके बताया, हेलो 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 हेलो, बोले ये काम है इस मशीन का। तो मैंने कहा भाई इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो? कहने लगे कि यार किसी दिन मान लो मशीन टेस्ट करते समय एक आध बार मुंह से तलाक निकल गया। हाँ उस चक्कर में 3 साल की हो सकती ये है। तो एक छंद लिखा मैंने उनसे, कहा सुनना, कि मैंने पूछा भाई जान खुश होंगी भाभी जान, मैंने पूछा भाई जान खुश होंगी भाभी जान, ट्रिपल तलाक वाली बंद हुई भूल है,
मोदी सरकार लेके आई है कानून नया, बीवियों के वास्ते बहुत अनुकूल है। जोरू के गुलाम भाई जान थे महान बोले, अपनी तो जिंदगी का एक ही उसूल है। और अगर समझ में आ जाए तो तालियों से स्वागत करना बात का। जोरू के गुलाम भाई जान थे महान बोले, अपनी तो जिंदगी का एक ही उसूल है। बेलन या झाड़ू से कुटाई करे बेगम तो कह दो कबूल है, कबूल है, कह दो कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो कुल मिलाकर तीन तलाक की समस्या का निराकरण है तीन कबूल, ट्रिपल कबूल। उसके बाद सुनिएगा पैरोडी, सुना तो छोटी सी, भाईजान का दर्द कि तबले की तरह ठुकता ही रहा हूं मैं, तबले की तरह ठुकता ही रहा हूं मैं। बहुत गौर से सुन ले। कभी सलमा से कभी अतिया से कुटता ही रहा हूं मैं, तबले की तरह ठुकता ही रहा हूं मैं। अब सुनना, कभी कूटा गया कभी तोड़ा गया। सोचो पत्नियां कैसे कूटती कि कभी कूटा गया कभी तोड़ा गया, कुल्हड़ की तरह मुझे फोड़ा गया। कभी चिमटे से कभी कलछी से बजता ही रहा हूं मैं, तबले की तरह ठुकता ही रहा हूं। पत्नियों की बहुत बात हो रही थी, हमारे प्रताप हौलदार जी ने कहा कि पति घोंचू हो जाते हैं, उसको बढ़ाया हमारे सुदीप भोला भाई ने। पति और पत्नियों में सर कभी पट नहीं सकती है, मैंने चार पंक्तियां लिखी। हाँ। कि पति है अगर सुस्त, हाँ, ढीला। हाँ। पति है अगर सुस्त, खुद में लीन है बीबी। भारत है पति तो समझो चीन है बीबी। दो मुल्क की सरहदों का कभी मिलन नहीं होता, अगर इजराइल पति है तो फलस्तीन है बीबी। अगर इजराइल पति है तो फलस्तीन है बीबी। पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे कोई मासूम होता है तो पत्नियां होती हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं होता। मेरा ये निजी अनुभव है, मैं एक दिन तो घर में टीवी देख रहा था, उसमें गाना आ रहा था भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, कोई मेरे साथ भी रात गुजारे। हमने पत्नी से पूछ लिया, हमने कहा यही गाना इमरान हाशमी तुम्हारे सामने गए, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? भड़क गई, कहने लगी मैं पतिव्रता पत्नी हूं, आपके बिना फांसी पर झूल जाऊंगी, एक दिन इमरान के साथ जाऊंगी तो अपने पति को भूल जाऊंगी। बहुत अच्छी होती है पत्नियां। इसे मैं समर्थन में लिखता हूँ। संसद में जब आप संसद के आपके भाषण वायरल होते हैं, फिर जब आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र की पब्लिक क्या कहती है? नहीं, अभी जब मेरा अभी जो भाषण जो हमारे स्पीकर ओम बिरला जी का जब मतलब जो चुनाव हुआ, उसमें जब स्पीकर बन गए तब मेरा जो भाषण था, मुझे अमेरिका से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, चाइना से, बहुत देशों से मुझे फोन आ गए कि तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा था। और मोदी जी कभी हंसते नहीं है, मोदी जी कभी हंसते नहीं है, लेकिन मैंने मोदी जी को हंसाया है। बहुत हंसते मोदी जी कभी हंसते नहीं लेकिन मैंने मोदी जी को हंसाया है और राहुल गांधी की तरफ देखते देखते मैंने उनको हंसाया है। बहुत सारे लोग, जहाँ भी मैं एयरपोर्ट जाता हूँ या किधर भी जाता हूँ, नौजवान लोग मेरे पास आते बोलते तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा था, तो मैंने बोला कि भाई मेरा भाषण अच्छा था लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? मतलब मेरा भाषण तो अच्छा था तो ऐसा लोग रिएक्शन ना देते है, तो मुझे एक आदत है बैठे बैठे मैं वहाँ लिखता हूँ और पार्लियामेंट में भी लोग पसंद करते हैं और सभा में भी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा सभा में बोलता था कि सारे देश में आ गई है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, सारे देश में आ गई है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, फिर कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? एंजॉय करते हैं सर, आपने लालू जी की कमी पूरी कर रखी है। सही में बड़ा मिस कर रहे थे लालू जी को लोग, लेकिन अब सही हो गए, लेकिन वो जेल में है।
लालू जी जेल में है लेकिन कांग्रेस वाले पार्लियामेंट के वेल में है। तीन तलाक की बात हो रही थी, सब्जेक्ट ज्यादा चेंज नहीं है, तीन तलाक की बात हुई वहां से फिर यहाँ हुआ चेंज, तो मैं उसको लेता हूँ। मैंने दूसरे तरीके से लिया सर, वो तीन तलाक का बिल तो पास हो गया, जैसे ही बिल पास हुआ तो सरदारनी मेरे पास आ गई। सही में? हाँ, अब पहुंचे की बात। हाँ, सरदारनी मेरे पास आ गई, बोले ये क्या हो रहा है? वो पूछ रहे आपके सरदार। सगी, सगी सरदार। सगी सरदार। सर अठावले जी, मैं कसम खा के कहता हूँ इस मामले में बहुत गरीब हूँ। सिर्फ एक ही है। सर, सर इनकी जिंदगी में केवल एक ही बंदी आई है अब तक, नोटबंदी। अच्छा। तो वो बोली कि ये मोदी जी ने क्या किया है कि तीन तलाक का बिल पास करा दिया, और आप अभी बता रहे थे कि मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये क्या क्या सबका साथ सबका विकास, उनका तो बिल पास करा दिया तीन तलाक का, तो मैं तू क्या चाहती है, तेरा क्या है? तो थोड़ा सा समझना और मेरी बात को, बहन जी बैठी हुई है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। मोदी जी ने तीन तलाक का काटा है कलेश, तीन तलाक का कलेश काट दिया मोदी जी ने, तीन तलाक का काटा है कलेश, ये सात जन्म का कलेश क्या ट्रंप कटवाएगा? भाई हमारे यहां सात जन्म तक है ना, सात जन्म का कलेश क्या ट्रंप कटवाएगा? और मैंने कि तुझे क्या तकलीफ है सात जन्म में? बोले तेरे जैसे घोंचू के संग, और वो भी सात जन्म, तेरे जैसे घोंचू के संग वो भी सात जन्म, मेरा तो हर जन्म अखारत ही जाएगा। शुद्ध हाजत सुनना बस्ती में। मैंने कहा मेरी प्यारी चाहे कहीं भी चली जा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं चली जा, मैंने कहा मेरी प्यारी चाहे कहीं भी चली जा, ये पति नाम प्राणी तुझे घोंचू ही पाएगा। और अब अठावले जी मैं आपकी हिस्ट्री बता रहा हूं, ये घोंचू ही पाएगा, और यदि शादी से पहले वो नहीं हुआ घोंचू तो शादी के बाद वो जरूर बन जाए। तो मैंने उससे कहा, मैं कि तू क्या चाहती है? बोले नहीं नहीं मैं तुझे बदलना नहीं चाहती। मैं क्यों? के ठोक पीट कर सही किया है, या एक जन्म में ठोक पीट के तो तुझे सही किया है। के ठोक पीट कर सही, और ताली बजाना आखिरी पंक्ति पे मेरे बच्चे हो, के ठोक पीट कर, ये हमारा संस्कार है, ठोक पीट कर सही किया है, क्यों तलाक की सोचूं, ठोक इतनी मेहनत करी है तेरे संग, तू रो हैंड मिला मेरे को। के ठोक पीट कर सही किया है, क्यों तलाक की सोचूं, और सात नहीं 70 जन्मों तक तू मेरे साथ रहेगा घोंचू। पता चला सरदार जी आपका आपके घर में कितना सम्मान है। अठावले जी से भी पूछ लो कितना सम्मान है। सबकी हालत एक है। आप चारों मिलकर, आप चारों कवि मिलकर मुझे लपेटे में लेने वाले हैं। आप चारों कवि मुझे लपेटे में लेने वाले हैं, लेकिन हम तुमको लपेटे में लेने के बगैर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, अच्छा। लीजिए, लीजिए। ये आसमान है, ये धरा है, ये आसमान है, ये धरा है, आपका पाजामा सफेद और कुर्ता हरा है। गजब है, गजब है। और आपका पगड़ी भी हरा है। इसलिए अपन दोनों साडू साडू। का वो जो मेरा भी
कुर्ता हरा है और आपका पगड़ी भी हरा है, लेकिन अपने दोनों को देखकर ये तीनों डरा है। सर बात यह है कि इनका दिल इसलिए हिला है कि रंग के माध्यम से हमारा और आपका दिल मिला है। सर दरअसल क्या है, हम लोग स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये हरा डब्बा है, ये नीला डब्बा। कचरा कहाँ है? कचरा वो अभी आएगा। ये सूखा कचरा इसमें। मेरे पार्टी का रंग भी नीला है। हाँ जी, झंडे का जो रंग है ये रंग मेरे पार्टी का नीला है। और आप लोग जानते हैं कि जो हाथी है ये हाथी सिंबल हमारा था रिपब्लिकन पार्टी का। मैं हूँ नरेंद्र मोदी जी का साथी, लेकिन मायावती के पास है हाथी। सर आपकी पार्टी का रंग नीला है ना, मैं जब ही देख रहा था आप बहुत देर से इसको ललचाई नजरों से क्यों देख रहे हैं? पूरे मुस्लिम समाज की बहन बेटियों से आज दिल खुश होकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहले पुलिस लाचार थी, शिकायतें होती थी, लेकिन कानून न होने के चक्कर में पुलिस बेचारी कुछ नहीं कर पाती थी। आज पुलिस भी कॉन्फिडेंस में है और वो कॉन्फिडेंस में मुस्लिम माताओं बहनों से कह रही है, आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना, FIR लिखा जाना, आ जाना आ जाना, घर शोहर सताए तुम्हें आज हमारे थाने आ जाना, घर शोहर सताए तुम्हें आज हमारे घर आ जाना, और यदि बोले कोई तीन तलाक हमारे थाने आ जाना, मजहब का दे करके तुमको हवाला, हो शौहर कराए तुम्हारा हलाला, हो उसके सितम से तुम बिल्कुल न डरना, काजी मौलाना की चिंता न करना, बेलन उठाना आंखें दिखाना, बन जाना झांसी की रानी, डंडा लेके हैं दरोगा जी तैयार, हमारे थाने आ जाना। आपको बहुत अच्छा व्यंग लगेगा, आपको लगा मैं बहुत अच्छी चीज छांट के लाया हूं। मोदी जी को डिस्कवरी चैनल पर जाता देख, मोदी जी को डिस्कवरी चैनल पर जाता देख राहुल जी झल्लाए, मोदी जी पर तमतमाए, बोले हे मोदी गुफाओं में तुम, फिजाओं में तुम, समंदर में तुम, हवाओं में तुम, अरे अब तो अपनी सौगंध को तोड़ दो, सारे काम तुम ही करोगे क्या, एक आध हमारे लिए भी छोड़ दो, सारे काम तुम ही करोगे क्या, एक आध हमारे लिए भी छोड़ दो। मोदी बोले अरे ओ भोले मैं तो घुमक्कड़ हूं, मुझे एक पल आराम नहीं, जंगल में जाना बच्चों का काम नहीं, जंगल में जाना, अटावले जी समझ आ रहा है ना, जंगल में जाना बच्चों का काम नहीं, अब आखिरी बार समझ जाना, बहुत छांट के लाया हूं, जंगल में जाना बच्चों का काम नहीं। राहुल तुम भी एक बार अपनी कैपेसिटी के अनुसार, तुम भी एक बार अपनी कैपेसिटी के अनुसार मंजिल को पाओगे। मैं मैन वर्सेस वाइल्ड में जा रहा हूं, तुम मैन वर्सेस चाइल्ड में जाओगे। ये चैनल की बात अभी हो रही थी, मोदी जी वहां चले गए हैं, कारण किसी को नहीं मालूम वहां क्यों गए। मैं आपको कारण बताता हूं कि विपक्ष को करके वो ढेर गया है, आंखें भी सबसे वो फेर गया है। मोदी जी जंगल गए इसलिए क्योंकि शेर से मिलने बब्बर शेर गया है। जितने राजनीतिक दल हैं सब में बड़ी उथल पुथल है कि वो डिस्कवरी में क्यों चले गए। मोदी जी से कंपटीशन सबका है, तो हमारे जो पत्रकार हैं वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने सारे नेताओं का इंटरव्यू लिया, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं। तो पहले केजरीवाल से पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए, उनका जवाब सुनिएगा। केजरीवाल बोले वहां एक दूत मिलेगा, जंगल में जाके एक भूत मिलेगा, कुछ मिले ना मिले ये भरोसा है हमें, मोदी के खिलाफ वहां सबूत मिलेगा, मोदी के खिलाफ
वहां सबूत मिलेगा। रामदेव बोले वहां एक लॉन खोलेंगे, रामदेव से पूछा गया, रामदेव बोले वहां एक लॉन खोलेंगे, जंगल में नया हिंदुस्तान खोलेंगे, मोदी जी वहां जाकर बीमार ना पड़े, पतंजलि की हम वहां दुकान खोलेंगे, पतंजलि की वहां हम दुकान खोलेंगे। राहुल गांधी, हमने राहुल जी से कहा आप कुछ कहो, बोले नया हमें आप कुछ पाने नहीं देंगे, बोले नया हमें आप कुछ पाने नहीं देंगे, खाएंगे नहीं और खाने नहीं देंगे, डिस्कवरी में मेरा मन जाने का बहुत है पर अमित शाह वहां से हमें आने नहीं देंगे, अमित शाह वहां से हमें आने नहीं देंगे। फिर हमने कहा बहन जी आप भी चलो, हमने मायावती जी से पूछ लिया, हमने कहा आप क्यों नहीं जा रही, हमने कहा बहन जी आप भी चलो, बोली अखबार में हमारे खिलाफ लिखना नहीं चाहिए, बोली अखबार में हमारे खिलाफ लिखना नहीं चाहिए, एक भी सांसद हमारा बिकना नहीं चाहिए, डिस्कवरी में जाऊंगी, बस एक शर्त है हमारी, अखिलेश यादव वहां हमें दिखना नहीं चाहिए। अखिलेश यादव, मैं आप सबका ध्यान चाहता हूं और उस उन्नाव का दर्द पूरे देश तक पहुंचाना चाहता हूं। बेटी बिचारी कहे ओ, बेटी बिचारी कहे बात ये रोते रोते हो, राम जी के राज में मैं मर गई, रेप वाला केस ढोते ढोते हो, राम जी के राज में मैं मर गई, रेप वाला केस ढोते ढोते, न्यायालय में न्याय ना मिलता, सरकारें ना सोचे हो, एक विधायक बनकर वहशी जिस्म हमारा नोचे, हाय राम दुहाई कैसी नीति बनाई, लेके बेटी का ही नाम आग बेटी में लगाई, गंगा भी मैली हो गई हो, गंगा भी मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो, राम जी के राज में मैं मर गई, रेप वाला केस ढोते ढोते। बहुत अच्छा। अच्छा मैं मुझे पता है आप घड़ी देख रहे हैं बार बार, तो मैं समापन पे एक शुद्ध हास्य सुनाता हूँ आपको, लेकिन सच्ची घटना है। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे अभी योगी जी की बात करी, उत्तर प्रदेश के अंदर दो अभियान चल रहे हैं। उस दिन किशोर जी आपने दिखाया था कि सड़क अभियान चल रहा है, उसका ट्रैफिक का, कि लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, रेड लाइट जंप करके तो चालान कटेगा ही कटेगा, कोई सूरत नहीं रुकेगी। दूसरा अभियान ये चल रहा है कि बिजली वालों ने चला रखा है कि वो बिजली चोरी जहाँ कहीं हो रही है वहाँ बिजली चोरी पकड़ लेंगे। एक घटना सच्ची घटी जो आप तक नहीं पहुंची, मैं पहुंचाता हूं सच में, कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने बिजली लाइन मैन को जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने बिजली लाइन मैन को बिना हेलमेट देखा उसे कर्री डांट दी, हेलमेट कहां दे रहा, उसे कर्री डांट दी और बड़ी मिन्नतों के बाद भी चालान काट दिया, खुश हुई पुलिस के होशियारी छाट दी, खींचा हुआ लाइनमैन गाड़ी को छोड़ गया, यह सच्ची घटना हुई है, मजे लेना, खींचा हुआ लाइनमैन गाड़ी को छोड़ गया, बदले में उसने भी ऐसी धोबी पाट दी, और पुलिस ने जब उसका चालान काट दिया तो उसने जाके थाने की बिजली ही काट दी। ये सच्चा किस्सा है, ये बात अद्भुत। अब अंधेरे में बैठी है पुलिस, वो तो अब वो उनसे कह रहे हैं कि पुलिस, अब पहले वो मिन्नतें कर रहा था कि चालान मत काटो, अब पुलिस मिन्नतें कर रही है कि थाने की बिजली जोड़ो, अब पुलिस मिन्नतें कर रही है थाने, और इशारा समझ लेना और ताली देर तक जोर तक बजाना बिदाई की, पुलिस मिन्नतें कर रही है थाने की बिजली जोड़ो, और बिजली क्या कह रहे हैं बिजली वाले, 8 लाख बिल के भर दो और कुछ दान दक्षिणा जोड़ो।
तो यहाँ आज पहली बार आपने मुझे यहाँ स्टूडियो में बुलाया है, और जो न्यूज 18 ने मतलब एक अच्छा जो प्रोग्राम है, बहुत बड़ा पॉपुलर है, बहुत सारे कवि ने मतलब अपनी अपनी क्षमता, अपने अपने जो कवित्व है ये मतलब हमारे बच्चों के सामने, स्कूल के सामने वहाँ रखा है, और एक आनंद निर्माण करने का काम किया है। ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम बहुत बड़ा पॉपुलर है, और पूरे देश भर के लोग इसको तो देखेंगे, और ज़रूर मतलब आप लोगों ने जो अपनी कला दिखाई है, तो इसलिए मैं सभी कवि का आभार व्यक्त करता हूँ, न्यूज़ 18 का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और आप मुझे इसी तरह बुलाते रहो, और हमारी सरकार 20-25 साल तक चलाते रहो, और इसी तरह हम आगे बढ़ने का काम करते रहेंगे। और आखिर में मैं आपको करता हूँ जाते जाते सलाम, मैं जाते जाते आप सभी कवि को, न्यूज 18 को और सभी स्टूडेंट को करता हूँ मैं सलाम, क्योंकि मैं नहीं हूँ किसी का भी गुलाम। अपने देश के राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, अपने देश के राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, हम देश का विचार नहीं करेंगे नीलाम, इसीलिए मैं करता हूँ आपको सलाम।